वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक करें, उसे व्हाइट कर ले और साथ में बेल का आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दे ताकि आपके पास पहुंच पाए हमारी सारी वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, अगर आज आप भी जानना चाहते हैं रहस्यमयी और अजीबोगरीब वेबसाइट के बारे में तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसमें मैं आपको पांच ऐसे अजीबोगरीब वेबसाइट के बारे में बतलाऊंगा जिनको आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, की गूगल क्रोम। तो यहाँ पर मैं गूगल क्रोम का प्रयोग करने वाला हूँ। तो सिंपल सा यहाँ पर मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं zoomquit.org। आपके सामने आ जाएगा zoomquit.org का एक वेबसाइट। इस पर आपको चले जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अजीब तरह का आश्चर्य कर देने वाला ये आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन लिखा है और इसके बाद ये एक पिक्चर, ये फिगर इतना जूम होता है। लाइक अगर आप सालों साल इस वेबसाइट पर रहेंगे तब भी अंत नहीं होता है, इतना जूम होता है। आप देख लीजिए ये कितना जूम हो रहा है। थोड़ा सा गजब कोडिंग यूज किया गया है वेबसाइट को बनाने में। कुछ ना कुछ आते जाएगा। सब साल करेंगे तब भी आपको यहाँ पर नया कुछ देखने को मिलता रहेगा। सिर्फ एक इमेज था और वही इमेज यहाँ पर जूम होते जा रहा है। मैं उतना नहीं आपको, आप वेबसाइट पर जाइए और देख सकते हैं। यहाँ पर जूम क्विट डायरेक्ट आप सर्च करें और जितना जूम होगा ये उतना और निकल जाता है। लाइक में वो दो डार्क हो गया है तो भी इमेज इतना नहीं रहता है। तो ये बहुत ही भी कर पॉइंटर पॉइंटर डॉट कॉम। तो पॉइंटर पॉइंटर डॉट कॉम पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर इस वेबसाइट में भी काफी अच्छी कोडिंग यूज की गई है और कोडिंग यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंटर पॉइंटर डॉट कॉम। तो इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो जहाँ आपका माउस पॉइंटर जहाँ भी जाएगा वहाँ एक आदमी, मतलब वहाँ कर्सर पे आपका एक इशारा करते हुए ओनली टैप करके आता है। तो यहाँ पर देखिए प्लीज मूव योर कर्सर। तो मैं अपने कर्सर को यहाँ मूव किया और यहाँ एक देखिए पॉइंटर बनेगा। पॉइंटर यहाँ एक आदमी जो है ये देख सकते हैं हाथ वहाँ पर चला गया, पॉइंटर उसके तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर हम फेस को पॉइंटर को थोड़ा सा कर्सर को दूसरी जगह रखते हैं तो यहाँ पर बन जाता है। मतलब कोडिंग इस तरफ का यूज किया गया है इस वेबसाइट में कि आपको देखकर भी हैरानी हो रही होगी शायद। यहाँ पर देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप, मतलब मैंने तो लगभग 15-20 मिनट तक ये ट्रैक किया सारा। मुझे नहीं लगता ये खत्म होने वाला है। जहाँ पर भी आप पॉइंटर को, अपने कर्सर को ले जाओगे वहां पर एक इमेज बनती है। देखते हैं देख सकते हैं। तो ये डू यू लाइक इट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल भी है। और इसका यूजफुल क्या को, इस पर तो सिर्फ आपको एक बार ही आना है और पता देख लेना है कि ये सच में होता है या नहीं। तो बट तीसरी वेबसाइट की तरफ, तो तीसरा वेबसाइट है internetmap.net। तो इस वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलता है। इंटरनेट का मैप मिल जाता है कि सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है, सबसे बड़ी वेबसाइट कौन सी है, सबसे ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट कौन सी है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं
इंटरनेट, तीसरा वेबसाइट हमारा इतना बड़ा गोला रहेगा कि ये सब ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट रहेगा। कोई बात नहीं हम इसको कट करते हैं और डोनेट करने बोल रहा था। चाहे तो आप इस वेबसाइट पर जाके डोनेट करने की मर्जी है, महिला लाइक साइट करने वाला हम डोनेट इस वेबसाइट पर आप डोनेट। तो यहां देख सकते हैं ये रहा सबसे बड़ा गोला, दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन, दूसरे नंबर पे हमारा पॉपुलर वेबसाइट है facebook.com। और इस तरह से आप सभी गोले और इस तरह से आप सभी गोले पर टैप कर सकते हैं। यहाँ इतने बड़े गोले हमारा हमारा भी एक वेबसाइट है, बहुत ही दुर्लभ की बात है। तो यहाँ पर हम बड़े गोले को देखकर संतुष्ट कर लेते हैं। यहाँ देखिए youtube.com तीसरे नंबर पर कर रहा है, यहाँ पर है sn.com, पता था इसमें, चलो कोई बात नहीं, बहुत बड़ा वेबसाइट। चौथा ट्रिक्स है यहाँ पर, जैसे आपको टाइम का पता नहीं चलता है कि अभी कितना बज रहा है, सारे चैनल सारे इधर से उधर, मतलब आपके मोबाइल में थोड़ा 2-4 मिनट का अंतर रहता है, तो आप कैसे एग्जैक्ट टाइम का पता कर सकते हो। चौथे ट्रिक्स की तरफ, चौथा ट्रिक्स है यहाँ पर, जैसे आपको टाइम का पता नहीं चलता है कि अभी कितना बज रहा है, सारे चैनल सारे इधर से उधर, मतलब आपके मोबाइल में थोड़ा 2-4 मिनट का अंतर रहता है, तो आप कैसे एग्जैक्ट टाइम का पता कर सकते हो। यहाँ पर गूगल क्रोम में यहाँ पर सर्च कर लेना है टाइम इज। सर्च करने के बाद बढ़ते हैं पांचवें ट्रिक्स की तरफ। तो पांचवा ट्रिक्स है यहाँ पर, आपको सर्च करना है गूगल क्रोम में xprop.cool। यहाँ पर सर्च करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने एक माइंड आपका चेंज कर देगा, एक ऐसा इमेज आता है जो आपके माइंड को बिल्कुल ही चेंज कर देगा। तो आप इसको लास्ट तक देख लीजिए, ये अंतिम ट्रिक्स है, तो आप इसको लास्ट तक देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और आइए जो लेट्स गो, और यहाँ पर जो आएगा ये देखिए, तो अभी 27 सेकेंड है, 26 सेकेंड कर दिए। इसको अगर आप बोला यहाँ बीच में देखते हैं, देखिए बिल्कुल आपके बीच में देखिए, आपका माइंड अट्रैक्ट कर लेगा और ये बीच में चेंज कर लेगा। ये काफी अच्छा और यूजफुल है, किसी को भी आश्चर्य में डाल सकते हैं वेबसाइट पे ले जाके। तो